Sup people, it's your boy DN with a Kulef here. Okay guys, so after a long तो आई नो कि मुझे बहुत समय हो गया है एक पर्टिकुलर वीडियो या फिर व्लॉग ड्रॉप करके, ऑलमोस्ट 12 टू 13 डेज हो गए। और मैं इतने दिन क्या कर रहा था क्या नहीं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर, मतलब इंस्टाग्राम पर अगर तुम लोग मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो तुम लोग की गलती, मैं क्या बोलूँ। ओके, तो इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि जाओ मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। लिंक कहाँ पर है कहाँ पर नहीं हो तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने तुम वो मुझे बताए, जाकर देख लो मेरी इंस्टाग्राम की एक बार आईडी। और मैं इसलिए तुम लोगों को फॉलो वहाँ पर करने बोलता हूँ, कॉज में वहाँ पर बहुत खुद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ, तो तुम लोगों को पता चलेगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। एंड आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर फटाफट। मैंने लास्टली थोड़े दिनों पहले न्यू ईयर के टाइम पे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि मैं हेयर एंड केयर को लेकर एक अच्छी सी वीडियो करूँगा, जो कि बहुत डिमांडेड वीडियो है। मतलब बहुत सारे जनों ने बोला है शूट करने के लिए वो एक पर्टिकुलर वीडियो। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आधे डिलीट भी कर दिए आधे हैं। यह हवा की बातें बाद में करेंगे। जो नया व्यूवर है उन लोगों को मैं पहले मेरे बारे में बता दूँ। जाओ सब्सक्राइब करो, तुम लोगों को पता चलेगा मैं कैसे हूँ कैसे नहीं। मैं बहुत फटाफट बोल रहा हूँ, मुझे बहुत घाई घाई में ये व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। ओके, तो टाइटल देख के और थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल गया रहेगा कि आज की वीडियो क्या है क्या नहीं। हेयर ग्रोथ टिप्स फॉर अ बिगनर। अभी बिगनर इन द सेंस, तुम लोग पहले ये जो बिगनर का जो सीन है वो तुम पहले समझ के ले लो। बिगनर इन द सेंस, इसके पहले तुमने कभी बाल बढ़ाए नहीं है, इसके पहले तुम लोग को बाल कैसे बढ़ाने हैं वो सब मतलब कुछ पता नहीं है, और तुम लोग ये वीडियो बस मेरी पहली बार देख रहे हो, उस हिसाब से देखो और उस हिसाब से समझो। इन द सेंस कूल गोइंग बॉयज, गर्ल्स तो बोल नहीं सकता, लड़के लोग के बाल बढ़े रहते हैं। ओके, ध्यान से सुनो स्कूल गोइंग बॉयज जो भी हो, एंड जो भी नहीं हो कॉलेज के स्टूडेंट हो, जो कुछ भी तुम लोग को अगर बाल बढ़ाने में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो एंड तक देखो। एंड तुम लोग ये सब टाइटल थंबनेल देखे फिर तुम लोग जज करोगे कि मैंने तो कैप पहनी है, मेरे तो बाल छोटे हैं। एक्चुअली मेरे अभी मैंने बालों पर तेल वगैरह लगा के रखा है। ओके, तो मेरी बातें साइड में, कॉज जिन लोग ने मेरे को पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उन लोगों को पता है मैंने बालों के साथ बहुत मतलब इन द सेंस करे एक्सपेरिमेंट्स बहुत करे, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, तो वो हर टाइम सब सूट करते है वैसा नहीं है। ओके, अरे तू जा रही। द वेरी फर्स्ट थिंग, जिन लोग भी बिगिनर है उन लोगों में बोलूंगा कि अगर तुम लोग को बाल बढ़ाना है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली टिप यही है कि अगर तुम लोग को तुम्हारे बाल बहुत अच्छे ग्रोथ मतलब ऐसी चाहिए, तो तुम लोग को उसके लिए कुछ ऐसे चीज़ है जो मैं आगे जाके बताने वाला, उसको लेकर कांस्टेंट रहना पड़ेगा। कांस्टेंट कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी बाल ही नहीं, कुछ भी लाइफ में कुछ भी, तो वो चीज़ के लिए तुम लोग को मेहनत लगेगी पहली बात, एंड सेकेंड थिंग कॉन्स्टेंसी लगेगी। तो अभी मैं तुम लोग को रूटीन बता देता हूँ तुम लोग कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, स्टेप वाइज, एक स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, वैसे वैसे बस तुम लोगों को फॉलो करना है, प्रॉपरली कांस्टेंट रहना है उस चीज को लेकर। स्टेप नंबर वन, अगर तुम लोगों को अच्छे बाल चाहिए लॉन्ग हेल्दी, तो तुम लोग को ऑयलिंग करनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट को लेकर बहुत सारे लोग की थिंकिंग ऐसी रहती है कि नहीं तेल वगैरह ऑयल वगैरह जमता नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो उन लोग के लिए मतलब जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता ऑयली ऑयली स्टिकी स्टिकी ऐसा पूरा, तो उन लोग के लिए मैं एक सजेशन देता हूँ, ऑलमंड ऑयल यूज़ करना चालू करो। अब इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे लोगों का बजट को लेकर अप्स एंड डाउन्स रहती है, तो नॉर्मल है तुम लोग को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बजट वाला एक बंदा हूँ, मैं भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना मतलब अवॉइड करता हूँ, इतना ज़्यादा खर्चा करता नहीं खुद के ऊपर, सस्ते में मस्त। ओके, तुम लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑलमंड ऑयल बोला तो वो बहुत सारे महंगे भी आते हैं, एंड चीप में तुम लोगों को अगर लेने जाएंगे शॉप में से या फिर मेडिकल में से, वो एक एक रुपए वाले पाउच आते हैं ना ऑलमंड ऑयल के, बेस्ट है। एक पाउच में तुम लोग के 3 या फिर 4 दिन हो जाएंगे, तो मैं तो फिलहाल वही यूज कर रहा हूँ, बॉटल के इतने झंझट मारे में पड़ता नहीं हूँ। स्टेप वन, हेयर ऑयल अच्छा यूज करना चाहिए, मतलब अच्छा यूज करना चाहिए इन द सेंस
ऑयलिंग की आदत डालनी चाहिए। देखो बहुत से लोग, मेरे को पता है कि वो पूरा दिन भर सुबह को लगा के पूरा दिन वो ऑयल में निकालना, वो अंकल टाइप आजकल के अब बच्चे लोग को नहीं जमता है। तो द स्ट्रेट थिंग, तुम लोग रात को सोते समय ऑयलिंग करो, सुबह उठ के वॉश आउट, खत्म। हर रोज करना है, हर रोज करो, एक दो दिन में गैप लेकर करना है, एक दो जैसे तुम लोग को जमता है वैसे करो, रात के टाइम पे करो। एंड अगर तुम लोग को जमता है सुबह के टाइम पे लगा के निकलना, तो एंड सुबह के टाइम पे अगर लगा के निकल रहे हो तो आई स्वेयर तुम लोग ने ऑलमंड ऑयल ही ट्राई करना चाहिए। एंड रात के टाइम पे अगर तुम लोग सोते टाइम पे लगा रहे हो तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कोकोनट ऑयल लो, पैराशूट ऑयल, जो कि पैराशूट ऑयल की जो बॉटल रहती है ब्लू कलर की, उसको हल्का सा गर्म करो। उसमें तुम लोग एलोवेरा भी कट करके ऐड कर सकते हो, जितने तुम लोग के बालों की, मतलब जितने तुम्हारे बाल है छोटे बड़े जैसे, तो तुम लोग कट करके वो गर्म ऑयल में एलोवेरा भी डाल सकते हो पैराशूट ऑयल में, और रात को सोते समय अच्छे से 10-15 मिनट की चपटी करके सो लो। सेकेंड थिंग, एलोवेरा के बाद में मैं तुम लोग को सजेस्ट करता हूँ, ये अभी तो ये मेरे पास खत्म हो गया, ये ई कैप्सूल है, तुम लोग देख लो भाई कैसी है, ये क्या है, ये 37 के तुम लोग को 10 कैप्सूल है। ये हफ्ते में इसको बस दो बार यूज करो। कैसे यूज करना है, खाना पीने का दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है तुम्हारे बालों को लेके। ई कैप्सूल इन द सेंस, तुम लोग को बालों को विटामिन देना पड़ता है, ई विटामिन, जो कि बालों का एक ये है, मतलब बालों को ई विटामिन लगती है ज्यादा। तो ये ई विटामिन की कैप्सूल है, जो कि मैंने जैसे बोला तुम लोग को, तुम लोग पैराशूट ऑयल में एलोवेरा डाल सकते हो। तो वैसे हफ्ते में दो बार अगर तुम लोग ऑयलिंग करने जाओगे तभी ये ट्राई करना। क्या करना है, इसको बस कट करो बीच में से, और जो तुम्हारा ऑयल रहेगा उसमें मिक्स कर दो, और फिर उसके साथ मसाज करना 10-15 मिनट गर्म तेल में लेके अच्छे से, और सो जाओ सुबह उठ के शन। ओके, तो ये तुम लोग देख लो कौन से भी मेडिकल में जाके तुम लोग ये कैप्सूल खोल सकते हो, 37 रुपीज़ के 10 तुम लोग को मिल जाएगी कैप्सूल के, वर्थ है, वर्थ है, पसंद है, वर्थ है। ओके, तो ऑयलिंग के बारे में मैंने बोल दिया, अभी ऑयलिंग के बारे में मैं तुम लोग को और डीपली बहुत खींच के लेके जा सकता हूँ, आर्गन ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, बट टॉपिक इस चीप वे में कैसे तुम लोग, मतलब डेली तुम लोग जो घर पे यूज करते हो उस चीज को लेकर कैसे तुम लोग झाड़ू तैयार कर सकते हो तुम्हारे सर। ओके, झाड़ू लगती है, बार बार बड़े होने के बाद झाड़ू झाड़ू आवाज कम आया मुझे पता है, धीरे बोल रहा हूँ, उस बार बहुत आवाज झाड़ू है। ओके, तो अभी सेकेंड स्टेप आती है शैम्पू कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो ओवर पॉजिटिव रहते हैं अपने बालों को लेकर, वो तो हर रोज शैम्पू कंडीशनर करते। मैं भी एक टाइम पे हर रोज करता था, हर रोज तेल लगाता था, कभी भी कुछ भी शैम्पू कंडीशनर कुछ भी कभी भी सेंसलेस। बट जैसे तुम लोग सब चीज करते जाओगे, सबके बारे में पढ़ोगे देखोगे, उतना तुम्हारी नॉलेज बढ़ती जाएगी उस फील्ड के अंदर। ओके, तो शैम्पू को लेकर मैं एक ही बात तुम लोग बोलूँगा, हफ्ते में मिनिमम दो बार शैम्पू तुम लोग यूज़ करो। शैम्पू हफ्ते में मिनिमम दो बार तुम्हें शैम्पू यूज़ करना है और कंडीशनर, बस उसके ज़्यादा प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ नहीं, मिनिमम दो मैक्सिमम तीन, खत्म 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 करो। अभी तुम लोग बोलोगे कि हम लोग, तुमने पहले बोला कि हर रोज तेल लगाने का एंड उसके बाद धोने का सुबह उठ के, अगर तुम लोग हर रोज तेल लगा रहे हो और सुबह उठ के धो रहे हो तो कंडीशनर, ओनली कंडीशनर, ये मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, बट बहुत सारे लोगों को कुछ भी लगता है, बट आई स्वेयर तुम लोग सोप आज से यूज करना छोड़ दो, बहुत सारे लोगों को सोप सूट करता है तो वो तुम्हारे ऊपर है भाई। बट मैं तुम लोगों को सजेस्ट करने जाऊँगा तो तुम प्लीज सोप बंद कर दो, मत यूज करो सोप सर पे, नो। तो तुम लोग वो ट्राई करके देखो, डोंट यूज सोप फॉर अ मंथ नहीं, 2-3 महीने के लिए, जो भी मैं सब बता रहा हूँ, 2-3 महीने के लिए अप्लाई करो, मतलब डेली रूटीन में अप्लाई करो तुम लोग के, एंड फिर आके यही वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओ कभी कैसे शैम्पू कब लगाना है, ऑयलिंग कब करनी है वीकली, वो मैं इसके बाद एक प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो करूँगा प्रॉमिस, उसमें प्रॉपरली समझा दूंगा मैं तुम लोग को जो कुछ, बट अभी मैं जो शॉर्ट में बता रहा हूँ वो सुन लो। हफ्ते में 5 बार ऑयलिंग तो 2 बार शैम्पू, 6 बार ऑयलिंग तो 3 बार शैम्पू कंडीशनर, सब चीज़ें स्पून फीडिंग नहीं होगी, होगी वो अगले वीडियो में होगी, तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड अभी द थर्ड स्टेप में तुम लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, हम लोगों को शैम्पू के बारे में एज अ बिगिनर कुछ नॉलेज नहीं देती, तो हम कुछ भी यूज़ करते हो कुछ भी कितना भी अमाउंट में,
तो वो डैमेज कर देता है बालों को और कुछ नहीं करता। ओवर यूजिंग नहीं करनी है। शैम्पू अगर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करने जाऊँगा, जो है तुम लोग नेचुरली बिल्ड शैम्पू जैसे कि पतंजलि का हो गया या फिर तुम कौन सा भी नाइल हो गया, बिकॉज मैंने बहुत से वीडियो इसको इस चीज़ को भी लेके कह रहे हैं कि मैं कौन से यूज़ करता हूँ कौन से नहीं। सब नेचुरल बेस्ड, केमिकल भी यूज़ करता हूँ बट वो कभी कभार इंस्टेंट अगर चाहिए रहेगा कुछ तो। ओके, ये तीन चीज़ पे एज अ बिगनर तुम लोग ने अगर अच्छे से ध्यान दिया ना तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग की हेयर ग्रोथ की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एंड एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैं तुम लोग को मेरे तरफ से बता रहा हूँ वो कहाँ पे है, या तो जो मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ वो तुम लोग एक्स्ट्रा थिंग मेरे तरफ से तुम लोग देख सकते हो। मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल और अनियन शैम्पू, इस चीज़ को लेकर मैंने एक प्रीव्यू वीडियो की है बहुत अच्छी, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया सब कुछ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोग एक बार जाकर देख लो। अभी तुम लोग को मैंने ये दोनों प्रोडक्ट दिखाए तो तुम लोग को लगेगा मैं इसकी कुछ ब्रांडिंग वगैरह कुछ करो, नो ब्रो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को ब्रांडिंग वगैरह क्या बोला तूने चाहिए, बट मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि मैं इस चीज़ का इस चीज़ को सपोर्ट करके बोल रहा हूँ। बट अगर तुम लोग को स्किन केयर हेयर हेयर एंड केयर मतलब अगर तुम लोग तुम्हारी स्किन को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, हेयर एंड केयर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करता हूँ कि मामा अर्थ एंड वाओ ये दोनों ब्रांड के तुम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अगर तुम लोग को अफोर्डेबल है तो अफोर्डेबल है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, कुछ चाहिए तो थोड़ा रुक जाएगा। एंड अगर तुम लोग को प्रॉपरली समझना है कि तुम लोग को वीकली क्या यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब शैम्पू करना है, कब कंडीशनर करना है, कब ऑयलिंग करना है, सब कुछ, तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो ताकि जो अगली वीडियो आएगी वो इसी से रिलेटेड रहेगी। बिकॉज ये वीडियो पोस्ट करने के बाद आई एम डैम श्योर कि मुझे दो तीन जन ऐसे बंदे मिलेंगे जो मैसेज करेंगे इस चीज़ को लेकर। ओके, तो जाओ सब्सक्राइब करो, और दो तीन बंदों का मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे जो जानते हैं वो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो मतलब पहली बार तुम मुझे इस स्क्रीन पर देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, आई एम ऑल योर्स गर्ल्स, ऑल योर्स बॉयस, तुम लोग का भाई है, तुम लोग मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जाना है सब्सक्राइब तो वही। अगर तुम लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो पता रहेगा मैंने बीच में हेयर स्टाइल की थी, तो मैं वापस इसी हेयर स्टाइल पर जंप कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने इंस्टाग्राम पर बताई थी लास्ट, या नहीं लास्ट के ब्लॉग में बताया था, फिर इसका ध्यान रहेगा मेरे, जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग या फिर। आई एम पुटिंग ऑल माई एनर्जी फॉर यू ऑल।